नमस्ते बच्चों, दैट इज़ अ वेरी चार्मिंग स्टोरी फॉर यू। आप भी सुनना एंड अपनी फैमिली को भी सुनाना। ओके, लेट वी स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम ऑल गॉड्स वर एंजॉयिंग इन हेवन। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड हु आर दिस गॉड्स। हमारी प्रकृति में सूर्य, चंद्र, हवा, पानी, ये सब कुछ है और हम इसको ही भगवान मानते हैं क्योंकि इससे ही हमारा जीवन चलता है और उसकी पूजा करते हैं। ये सारे भगवान हेवन में रहते हैं, उसका एक लीडर भी है, वो है इंद्र। सो ऑल गॉड्स वर एंजॉयिंग इन हेवन एंड सडनली व्हाट हैपेंड, मॉन्स्टर केम विथ हिज आर्मी और ये सारे गॉड्स पे अटैक कर दिया। अब बहुत फाइट हुई दोनों को बीच में, लेकिन गॉड्स जो हैं वो हारने लगे और मॉन्स्टर की आर्मी जीतने लगी। नाउ इंद्र द लीडर ऑफ गॉड प्रे टू सुप्रीम गॉड, सबसे बड़े पावरफुल गॉड को प्रे किया, हमें बचा लो, सेव अस। द नाउ द सिचुएशन इज चेंज्ड, गॉड्स सारे जीत गए, धीरे धीरे से जीत गए और मॉन्स्टर वाली जो आर्मी थी वो हारने लगी और वो भाग गए वहां से, दे वेंट बैक। नाउ इंद्र एंड हिज गॉड्स boasting and telling to everyone that we are powerful, बहुत शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, हमने तो मॉन्स्टर और उसकी आर्मी को हरा दिया है, हम पावरफुल है, ऐसे करके प्राइड लेने लगे अपने आप में। तभी when they were celebrating this winning, तभी suddenly एक यक्ष, बहुत ही अगली लुकिंग, बहुत ही राक्षस जैसा और गंदा भद्दा दिखने वाला यक्ष उसके सामने आया। And all gods were again frightened. Who are this? Indra came forward to Yaksha and asked, "Who are you and why you came here? Don't you see that we are all powerfuls? We'll defeat you. We'll beat you. हम आपको मारेंगे, हम बहुत powerful हैं, आप भाग जाओ। यक्ष ने बोला, अच्छा, if you are powerful, then challenge me, fight with me. Indra said, okay. इंद्र सेंट अग्निदेव, अग्निदेव को भेजा कि जाओ अपना पावर दिखाओ। अग्निदेव केम फॉरवर्ड टू यक्ष एंड सेड, आई एम वेरी पावरफुल, मैं तुझे जला दूंगा अपनी आग से। यक्ष सेड, ओके, अगर तेरे में पावर है तो तू यहाँ जो ग्रास है उसको जला दो। अग्नि ट्राइड एंड ट्राइड, बहुत प्रयत्न किया बट ही कुडंट, नहीं कर पाए, वेंट बैक। Now Indra asked to Vayudev, Pavan Dev ko bula, now you go and fight with Yaksha. Pavan Dev also said the same thing, I am very powerful and I can lift everything on earth. Storm aata hai na, jab storm aata hai, pavan aata hai, to sari cheeze ud jati hai, to waise main tujhe bhi uda dunga. Aise Vayudev ne bula. Now Yaksha said, okay. ये मैं यहाँ पे आग चलाता हूँ, इस आग को अपने पवन से बुझा दो। पवन दे ट्राइड, बहुत प्रयत्न किया बट ही कुडंट, नहीं कर पाए, ही वेंट बैक। नाउ इंद्र केम द लीडर ऑफ गॉड्स बट हिज नीज एंड हैंड्स शुक, शिवर कर रहे थे, डर भी रहा था थोड़ा बहुत। फिर सडनली व्हाट हैपेंड, इंद्र के सामने से वो यक्ष, अगली लुकिंग पर्सन गायब हो गया, सडनली डिसअपियर्ड। एंड इंस्टेड ऑफ दैट यक्ष, इंद्र के सामने एक ब्यूटीफुल लेडी दिखाई दी और इंद्र रिकॉग्नाइज दैट लेडी कॉल्ड उमा, शी इज द डॉटर ऑफ हिमालया। नाउ इंद्र आस्क्ड दैट लेडी, हैव यू सीन दैट यक्ष अगली लुकिंग पर्सन क्रीचर। उमा सेड, डोंट यू नो दैट पर्सन, आप नहीं जानते हो वो कौन था। इंद्र सेड नो, वो लेडी ने बोला, उमा ने बोला कि वो सुप्रीम पावर थे, सुप्रीम पावर ब्रह्मा थे। इंद्र सेड, बट वाई ही वॉज देयर एंड ऑल रेडी टू फाइट टू अस। उमा एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, आप लोग अभिमान कर रहे थे कि आपने मॉन्स्टर की आर्मी को हराया है, लेकिन आपने नहीं हराया था, आपकी मदद ब्रह्मा ने की थी, सुप्रीम पावर ने की थी, इसकी वजह से आप लोग जीते थे और मॉन्स्टर हार गए थे, लेकिन आपने सेलिब्रेट
करने के टाइम पे ब्रह्मा को बिल्कुल याद नहीं किया, जो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़े भगवान है, उसको याद नहीं किया और प्राइड लेने लगे, गर्व लेने लगे, अभिमान करने लगे कि यू आर ओनली द सुप्रीम पावर। तो आपको सबक सिखाने के लिए ब्रह्मा ने यक्ष का रूप लेके आपके सामने फाइट करने का, चैलेंज करने का काम किया और आपको अंडरस्टूड करवाया कि यू आर नॉट द सुप्रीम पावर। इस स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि हमारे अंदर कोई भी प्रकार की स्किल हो, कोई भी प्रकार के एडेप्टेशंस हो, बहुत अच्छे से लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को सबसे बड़ा माने कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। सुप्रीम पावर वो होता है कि जिसके अंदर स्किल हो और वो दूसरों की वो स्किल से मदद करे, बट अभिमान ना करे। नहीं तो सुप्रीम गॉड आके हमसे फाइट करके हमें बता देता है कि हमारा लेवल कौन सा है। अच्छी लगी ना, दूसरों को ज़रूर सुनाना। हाँ, थैंक यू।